पाकिस्तान को नाज़रीन, आप देख रहे हैं बगैमा सेब ज़दा। मैं हूं मुशारे फारूकी। और मैं हूं मोइन इस्लाम। मोइन, क्या हाल है आपका? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोइन, लास्ट हम इसी लोकेशन पे मौजूद थे जो कि हम कंप्लीट नहीं कर सके। नाज़रीन, आज हम जिस जगह मौजूद हैं वो हमने रिसेंटली अभी इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पे हम बहुत सी वजूहात की वजह से मोइन उसको कम्प्लीट नहीं कर पाते। उसमें सेफ्टी देखनी होती है, उसमें बहुत से मामला देखने होते हैं। लेकिन हम बहुत सी इन्वेस्टिगेशन पे गए हैं, यहाँ पे कुछ खास खौफ था। Exactly, ऐसे ही है, बिल्कुल है ना। मतलब यहाँ पे एंटर होते साथ ये एकदम हुआ है कुछ। पहले तो कुछ अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, अभी तक तो आंधी है ना, हवा तेज हो गया काफी। चले अल्लाह का नाम लेके चलते। अभी बिल्कुल कुछ नहीं था यार, ऊपर ना बारिश का ऐसा मौसम है। बहरहाल आज हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट कर पाए इन्वेस्टिगेशन की। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि कुछ ऐसी ना, मुझे अभी भी लिटरली कुछ फीलिंग आ रही है, जिस तरह कोई मूवमेंट वगैरह आपको फील होती है ना, गट फीलिंग सिक्स सेंस होती है, वो दी के अंदर से मुझे मूवमेंट अभी से फील हुई है। खैर अभी जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ था वो काफी ज्यादा बहुत जो है वो कैमरामैन को नुकसान भी हो सकता था, हमें भी हो सकता था इवन, लेकिन अल्लाह का नाम लेते हैं, शुरू करते हैं। हम रिविजिट उन्हीं लोकेशंस को करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मामला नज़र आए और वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर सकें। अभी आते ही मौसम ख़राब हो गया है, अब देखें क्या मुश्किल होती है हमारे लिए। बिल्कुल आए, बिस्मिल्लाह करते हैं। अली ध्यान से आज, ठीक है? आज चीज़ें होंगी लेकिन हमने अब इसको कोशिश करना है पूरा करके निकले। अंदर आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह जाने वो किसकी आवाज़ें हैं। आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। आओ मेरा भाई, बिस्मिल्लाह करो, ठीक है? बिल्कुल भी आज डरना नहीं है, हम साथ हैं। और मौसम भी नाज़रीन उस तरह का खौफनाक हो गया है कि ओए होए, अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, ध्यान से हैं। नाज़रीन ये यार ऊपर एक सेकंड दिखाना, सामने बादल, बादल नहीं है यार, क्या ये इंडिकेशन है खतरे हो सकता है? है ना, हो सकता है। 100 साल पुराना कब्रिस्तान है और जो जो यहाँ पे वाकयात हुए हैं, लास्ट टाइम भी बताया था कि लोग अपना सामान छोड़ के चले गए हैं, तो ऑब्वियसली सामने कुछ लोग आई थिंक कब्र के लिए आए हुए हैं ना, मुझे लग रहा है। ऐसी जगहों पे एकदम हवा का ज़्यादा हो जाना। आओ ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं, टॉर्च ऑन रखें मोइस। अल्लाह अकबर, लाहौल वाला कुवत। लास्ट टाइम बिल्कुल सामने कुछ चीज़ नज़र आई थी, ये बिल्कुल सामने। बिल्कुल नाज़रीन यहाँ पे इस स्लेट के ऊपर कोई हमें इंडिकेशन हुई थी कि कोई बैठा हुआ है, कि कोई चीज़ है। वो सामने कुछ मेरे ख्याल से लोग हैं जो मोइन इधर आना, क्या नाम है अली, वो सामने दिखाओ कोई कब्र को। वो ये आवाज कहाँ से आई है? कब्र में से आवाज आई है। अल्लाह माफ करे, बहुत खौफनाक आवाज। अल्लाह 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 आवाज आई है, बकायदा आवाज आई है, ना सिर्फ रिकॉर्ड हुई होगी। हाँ आई है तुम्हें ना? आते साथ दोबारा वही एक्टिविटीज है, वो शुरू हो गई है। कब्रिस्तान है ये, यहाँ से और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या सलाम हो, या इधर आओ यार, देख के सर भारी होने लग जाता है जैसे ही इस कब्रिस्तान में एंटर होते हैं। यार ये जगह ना इस तरीके से बहुत अजीब है कि जैसे हम एंटर होते हैं ना, हाँ, तबीयत भारी होना शुरू हो जाती है, सर चक्कर आता है, अजीब। हालांकि बाकी भी कब्रिस्तान किए हैं लेकिन यहाँ पे ना कोई मामला ज्यादा है कि तबीयत खराब होने लग जाती है। बिल्कुल वही ना मामला, अजीबोगरीब सिस्टम। और नेचुरली एक काम करने को भी दिल नहीं करता। हाँ ये चीज मैंने नोट किया है। तुमने एक चीज मेरी तबीयत में देखा क्या होता है कि मैं जैसे ही इस कब्रिस्तान में आता हूँ तुम क्या गिरा है? आ गया, आ गया, आ गया, देख के देख के देख के कुछ गिरा है। क्या बगैर
ये कुछ आवाज आई है, बिल्कुल पीछे से आवाज आई है। कोशिश करेंगे पूरा टाइम स्पेंड करें यहाँ पे नाज़िन। अभी हम आए हैं और कब्रिस्तानों में हमें पता है, हम ये डिस्कस भी करते रहते हैं कि बहुत से मामलात अल्लाह के यहाँ पे होते हैं और बहुत सी मखलूकात का भी यहाँ बसेरा होता है। हमें नहीं पता, नहीं मालूम होता कि इस टाइम क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या नहीं मामला चल रहे। हम कोशिश करेंगे एक तो कैप्चर कर सकें कोई चीज़ को। यार इतनी ज़्यादा सामने मुझे मूवमेंट्स हो गई यहाँ पे। लाइट ज़्यादा रखें, लाइट उधर करो अली, बिल्कुल सामने। ये जो यहाँ से मुझे लगा कि वाइट कलर की ना कुछ चीज़ पास करके गई है। उस दिन भी सफ़ेद कलर में हम नज़र आया था कुछ। हाँ उस दिन ये था कि एक जगह पे हमें मूवमेंट फील होती है, विद इन अ सेकंड दूसरी जगह से मूवमेंट फील, मतलब एक चीज़ नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही है ऐसे ही। और अभी यहाँ से कुछ चीज़ें सरा तेज़ भाग के गई है यहाँ। उस दिन एक हमें शख्स नज़र आया था नाज़िन, एक हम उसको नशेई कह लें, एक आम शख्स कह लें। वो कौन खड़ा है? वही 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 वही, वो कोई है। कौन है ये? कौन है ये? कौन है सफ़ेद लिबास में पीछे हो जाओ, कोई है ये? कौन है ये? कोई कौन कौन खड़ा हुआ है? गायब हो गया, गायब हो गया। हम उसको नशेई कह लें, एक आम शख्स कह लें। वो कौन खड़ा है? वही 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 वही, वो कोई है। कौन है ये? कौन है ये? कौन है सफ़ेद लिबास में पीछे हो जाओ, कोई है ये? कौन है ये? कोई कौन कौन खड़ा हुआ है? वही गायब हो गया, गायब हो गया। ये कोई है उधर सफ़ेद लिबास में, कौन है? अल्लाह हू अकबर, ये औरत है कोई? लाइट दे, लाइट 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 लाइट। कौन है ये? कौन है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कौन है? कैप्चर हो रहा है कैमरे में, नाइट विजन में कुछ हो। या अल्लाह, ये औरत है, मर्द है, कौन है ये? इसके हाथ हाथ में जैसे सिगरेट है। कौन है? इधर आ जाओ यार। अल्लाह अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कोई था या कोई है वहाँ पे? वही जो लास्ट मेमोरी थी ना, वो इस तरह लग रहा है। कब्रिस्तान है, लोग आते रहते हैं, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कोई मजबूर हो तो ही इस टाइम आता है कब्रिस्तान में ना, स्टिल वो चीज़ वहीं पे। हाँ, जैसे उनकी मजबूरी है तो वो कब्र खोदने आए हैं इस टाइम। तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं ना उस साइड से आ रही हैं। बात मानो, ये कोई बैठ अली मोइन लाइट में। हाँ ये कौन है? कौन है? क्या कह रहे हैं? चले जाओ यहाँ से। एक सेकंड अली आ गया। लाइट टॉर्च दें, टॉर्च टॉर्च टॉर्च। जी क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, की कह रहे हो जनाब? चले जो यहाँ से, चले जाएं। कुछ देर में हम जा रहे हैं यहाँ से। आप इधर ही रहते हैं कब्रिस्तान में ही? अल्लाह अकबर, ये पीछे से आवाज आई है, पीछे से आवाज आई है। अल्लाह अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। पीछे से आवाज आई है यार। कब से आप इधर? बचपन से? कब्रिस्तान में रहते हैं? किससे मिलने आते हैं? अल्लाह अकबर, ठीक है ठीक है ठीक। यार लिटरली मुझे पीछे से मूवमेंट फील हो गया है, लिटरली। वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। जल्दी मूव मूव मूव, यहाँ पे बैठा हुआ था। निकलो 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 यहाँ से, थोड़ा आगे चलो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह। खैर नाज़िन, वो यहाँ से चंद ही सेकंड्स में गायब हुआ है। और हमें वो बार बार क्या कह रहा था? चले जाओ यार। हाँ चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ।
और वो कहते हैं मैं इधर ही रहता हूँ बचपन से। मोइज क्या था? अब बचपन से मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप चले जाओ। इंडिकेट तो नहीं कर रहा कि आप आगे ना जो आपको नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि उसको क्या जरूरत थी कि वो ये कहे कि चले जाओ, बेशक वो यहाँ पे जो भी काम के लिए आए। यार ये फिर पीछे मोमेंट फील हो गया, पीछे कोई गया है नाज़िम, बकायदा कोई गया है यहाँ पे, क्या कोई गया है। इधर आओ, अस्तगफार अल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम फिजो, अस्सलामु अलैकुम फिजो। अली इमरा भाई आगे जल्दी, नीचे देख के ज़रा, कांटे भी हैं और सांप वगैरह भी हो सकते हैं, मौसम ऐसा है। या अल्लाह खैर। मैं क्या हुए? या अल्लाह खैर। मैं क्या हुए हैं? आप मेरे में आके लगे हैं, धक्का लगे इतना बुरा मुझे यार, बाजू पे धक्का लगा है। ओ मेरे लाभ, आपको लगा था ना? मुझे धक्का लगा है, मैं खुद एकदम घबरा गया हूँ। क्या हुआ है यार? मेरी बाजू पे इस जगह पे आ गई। जगह तो स्मूथ ही है, जगह स्मूथ ही। हाँ। मेरी बाजू पे ना, मैं यूं चल रहा हूँ, मुझे इस तरह धक्का लगा, मेरा पाँव मोड़ा, मैं आप में लगा। चक्कर तो नहीं आया वैसे? बस नहीं नहीं, चक्कर कुछ भी, धक्का लगा प्रॉपर है यार। ये मेरी बाजू लगे हैं? एक सेकंड नहीं पकड़ना। देख के देख के, तू ठीक है ना? देख के देख के देख के, अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। देख के मेरा भाई, देख के देख के, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, आओ देख के, ये दिखाओ, ये अल्लाह माफ़ करे कोई कब्र थी या क्या था, ये दिखाना। ये अंदर कोई रस्सा बनाया है? रस्सा भी है, ये सांप वगैरह के भी हो सकते हैं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से। और वो सामने कब्र दिखाओ, वो कब्र थी? ये दिखाओ सामने, ये क्या है? ओए होए, है ना? ये कब्र है, और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई है, है ना? जी सर। थोड़ा इस तरफ आओ ज़रा, अल्लाह इधर वाली नाज़रीन ये देख सकते हैं कि किस तरह कब्रें हैं, और इनका कोई रखवाली भी नहीं है, और ये मेरे ख्याल से जैसे अल्लाह माफ़ करे ख़त्म हुई हुई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, हवा का बार बार इस तरह आना मेरी समझ से बाहर है कि क्या था यार। वहाँ पे ना कोई चीज़ खड़ी हुई है, देख के पीछे, देख के पीछे, देख के पीछे, देख के गिरी ना। नहीं, नहीं, देख के मेरा भाई, वहाँ पे ना लिटरली कोई चीज़ खड़ी हुई है। ये भी कब्र दिखाओ, अल्लाह कब्र है, कब्र है, कब्र है, कब्र है, देख के देख, ये दिखाओ, अल्लाह अकबर, कितनी पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे। इस्तग़फ़ार यार, वहाँ पे ना कोई चीज़ खड़ी हुई है वाइट कलर में। किधर? उस जगह पे, और वो तब से मुझे इशारे कर रही है, लिटरली बुला रही है मुझे अपनी तरफ, ब्लू कलर में। उधर करें अली, उधर मूव करें, जल्दी मूव, व्हाइट कलर की चीज खड़ी हुई है और लिटरली वो मुझे इशारे। वो कौन है, वो कौन है अली, उधर करें जल्दी जल्दी, वो सामने कोई है, सामने कोई था इधर। हाँ इधर इधर इधर, जल्दी जल्दी मूव करना, क्या हो गया? कुछ साया देखा मैंने यार, ये बिल्कुल माफी, अल्लाह अकबर, इधर मैंने कुछ साया देखा है मोइन। एक ये कोई है, आवाज आ रही है, कौन है? हाँ ये किस चीज की आवाज है? या अल्लाह माफ करना, देख के यार पीछे कुछ गिरा, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। यार इस जगह पे ना वो चीज खड़ी हुई थी, ये दरख्त के नीचे जो बिल्कुल सामने नहीं है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है नाज़रीन, ये आप दिखाएं वाली, ये दिखाना पूरा एरिया, यहाँ पे दरख्त भी बहुत पुराने हैं और कब्रिस्तान भी बहुत पुराने हैं। अल्लाह माफ़ करना, या अल्लाह कोई भी गलती हमसे हो जाए उसके लिए माजत चाहते हैं, हम यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए, जो भी हमें सुन पा रहे हैं। कुछ देर में कोई आवाज़ नहीं आई है ना, कोई कह रहा वही चले जाओ इस तरह करके, फिर आया कुछ तो कोई नहीं है। वो शख्स नाज़रीन वहाँ पे जो खड़ा था, बैठा था,
वो अजीब बातें की कि मैं बचपन से इधर हूँ, चले जाओ, बचपन से यहाँ हूँ, ये मैं इधर ही रहता हूँ, कब्र में ही, कब्रस्तान में ही रहता हूँ। अजीब। लास्ट टाइम भी बंदे ने कहा था अब ना, जो अभी भी वो मना कर रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्या ऐसे मामला था। आए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ और कैप्चर हो। आओ अली। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ये लोग मन्नतें वगैरह मांगते हैं, ये नाज़रीन उस तरह की दरख्तों पर, ये आप देख सकते हैं। या अल्लाह खैर, हमें नहीं पता हमने वापस कहाँ से जाना है। ऐसे ये कहाँ तक जाता है कब्रिस्तान? बहुत आगे तक वो देखे ना, वो सामने कौन बैठा हुआ है? वो देखे, वो देखे, वो देखे, ये जहाँ पे मैं लाइट मार रही देखे, कोई है, कोई है उधर उस साइड पे मुंह करके बैठी है वो चीज। अली उधर आओ, इधर आओ जल्दी। वो देखे, वो देखे, वो देखे, ये जहाँ पे मैं लाइट मार रही देखे, कोई है, कोई है उधर उस साइड पे मुंह करके बैठी है वो चीज। अली उधर आओ, इधर आओ जल्दी। यार उसने सर पे ऐसे लग रहा है कुछ व्हाइट कलर का कपड़ा लपेटा हुआ है ये, और वो उस तरफ को मुंह करके बैठी हुई है। अल्लाह अकबर, अस्तगफार। बगैर नुकसान पहुंचाए होने के साथ लगेगा, नुकसान मत पहुंचाइएगा। यहाँ पे नीचे हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कब्रें ही कब्रें हैं। बिल्कुल। ये आप दरख्त देख सकते हैं, कितने पुराने दरख्त हैं नाज़रीन। और वो कौन बैठा हुआ है? वही टॉर्च दे, टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च। कहाँ पे? वही इधर, मुझे ऐसा लगा कोई सफ़ेद कलर में कोई बैठा था। कब्रों के पास ही यार ये आवाज़ आई अभी इस तरह की। इधर आओ। या अल्लाह खैर, यार हम किधर फंस गए हैं? जाना कहाँ से हमने वापस? ये तो समझ नहीं आ रहा, कब्रिस्तान इतना बड़ा है, जितना हम एक आपने चीज़ नोट की, हम जितना अंदर आई जा रहे हैं हम। एक सेकेंड तारिफ। हाँ क्या हुआ? अपनी बात कंप्लीट कर रहा था। हाँ और एक चक्कर है, इतने मुझे हैवी चक्कर आए हैं, मुझे खुद आ रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कंप्लीट कर सका और इस तरह। आगे मेरे ख्याल से नीचे उतर आई है। क्या हुआ मुशारिब? मुशारिब क्या हुआ, इधर जा रहे हो यार? मुशारिब, मुशारिब क्या हुआ? हेलो क्या है वहां पे? मुशारिब, मुशारिब, अल्लाह, मुशारिब क्या देख लिया वहां पे?
क्या देख लिया यार, क्या हो गया? हेलो, अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? मशारे क्या चीज है वहां पे? मशारे क्या हुआ है? इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। Are you in senses? Astaghfirullah. Ishare? Pani hai, pani hai. Pani rahega. Main theek hoon. Ishare, kya hua hai? Idhar baitho. Kya hua? Oho, astaghfirullah. Kya hua, kuch batayenge? जगह से निकले। अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ। हुआ क्या था? कहीं बैठने की जगह कहाँ है? बैठने की जगह ही तो रोड शुरू होगी, रोड के दूसरी तरफ भी कब्रिस्तान ही। अल्लाह अकबर। क्या हुआ क्या एकदम? इसको बंद करें। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे होश आ गया। मैं अचानक मैं उस कब्रिस्तान के बीच में चक्कर आ रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स, ये पानी पियो ना, पानी पियो। चक्कर आ रहे हैं। इजी इजी कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं उस कब्रिस्तान से जब मिड ऑफ द कब्रिस्तान आए हम लोग, तो तुम्हें चक्कर आया, मुझे भी चक्कर आया। उसके बाद अचानक से मैं एक जगह, मुझे कोई चीज़ नज़र आई है सफ़ेद लिबास में। मैं उसको पॉइंट आउट करते हुए उस तरफ गया हूँ और ऐसा मुझे हुआ है कि मैं माउफ हो गया दिमाग, और उस चीज़ ने मेरा दिमाग पकड़ लिया है और मैं जा ही जा रहा हूँ और वो इस तरह से मुझे बुला रही है चीज़। ठीक है, खातून थी कोई। Exactly. मेरी दफा भी वही थी जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बुला रही है हमें कोई चीज। कोई खातून थी, मुझे इस तरह से बुला रही है और मेरा हाथ मेरे ख्याल से इधर ही स्टक रहा है शायद। बिल्कुल, यूं आपने इशारा किया है जिस तरह किसी चीज को। उसके बाद वो जाके दरख्त पे बैठ गई है। मैं जहाँ पे एंड पे, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे रुका हूँ, वो दरख्त पे बैठ गई है। और उसके बाद तुमने मुझे इस तरह जब किया है, मुझे फिर उससे पॉइंट आउट हटाऊँ मैं उससे, और फिर मुझे चक्कर आया। फिर मैं शुक्र है कि नहीं, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ, मैं आपको बाजू से मैंने पकड़ा, आप ना तो रुक रहे थे ना तो बात सुन रहे थे। और नाजरीन, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था ना, जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझे भी किसी चीज़ ने इशारा करके बुलाया था कि यहाँ। मुझे आई एम 100% श्योर कि मुशारिफ को भी वही चीज़। तबीयत ठीक है? नहीं, अभी बहुत मुश्किल हुआ है। मुझे भी सेम वही चीज़ इशारा कर रही थी। हर जगह पे वो चीज़ नज़र आई है, हर जगह पे। कभी कब्र के पास बैठी हुई है। ये मेरे ख्याल से कुछ हो रहा है, तुम्हारी ब्लिंक कर रही है। नाइट विजन मुझे पकड़ा दे। अली पकड़ ले यार। मोइज, अभी मामला जो हुए हैं बहुत ख़राब है। साथ इसके एक विलेज जाता है जो गांव है, और यहाँ पे जो मामला अभी हो रहे हैं, हमें समझ से बाहर है कि क्या मामला था। मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट करके आया था ना, कि लास्ट टाइम हुआ था और अब भी होगा, और लास्ट टाइम से बढ़ के होगा। इसको अली बंद करना, इसका तुम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लो। मैं कर लेता हूँ। मैं अच्छा, ये दूसरी तरफ भी कब्रिस्तान है ना? हाँ, उस तरफ देख ले अभी। उस तरफ चलते हैं। तबीयत ठीक है? इजी हो? ठीक हूँ। नहीं, आप तो, आपकी तो पिछले कुछ
हफ्ते या महीनों से ना इसी तरह की तबीयत खराब है, नहीं ठीक हो रहा है, नहीं हो पा रहा। ये सेट जो आपको ये खत्म नहीं हो रहा है, ऐसी जगहों पे जा जा के ऑब्वियसली इसरा तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं अपनी तबीयत से नाज़िन। ठीक है, मैं बैठता हूँ। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, ख्याल रखना अली, साथ जाओ बहुत ध्यान से। ओके। अच्छा नाज़रीन, ये बीच में एक रोड है और उसके दूसरी तरफ भी जो है वो कब्रिस्तानी है, और इसके दरमियान एक रोड गुजरती है, एक गांव भी है आगे, तो उसके बिल्कुल दूसरी तरफ ये दूसरा कब्रिस्तान है, या इसी का पोर्शन कह सकते हैं। और बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, जो मुशारिफ के साथ आज हुआ है उससे पहले ये उनके साथ कभी नहीं हुआ, और लिटरली जो चीज़ उन्होंने आज देखी उस अभी कुछ ही देर पहले मैंने भी वही चीज़ देखी है कि इशारा, इस तरह का इशारा करके बुला रही है कि मेरी तरफ आओ, और उसी चीज़ ने मुशारिफ को इतना अट्रैक्ट किया है कि उसको किसी चीज़ की होश नहीं थी, और उस चीज़ की तरफ वो दौड़ता चला गया। अब तबीयत ख़राब हो गई है, वो तो खैर अब चले गए गाड़ी में, अब बाकी का इन्वेस्टिगेट करते हैं। कब्रिस्तान का ये दूसरा पोर्शन है, और मेरे ख्याल से इधर ये कुछ 3-4 कब्रें ही हैं, उसके आगे अगर देखें तो नीचे कोई रस्सा बना हुआ है, जिस तरह नदी नाले की कोई जो कनेक्शन दिया होता उस तरह का। सुफ़रुल्ला, ये मेन रोड पे भी कुछ 3-4 कब्रें बनी हुई हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, कोशिश करते हैं कि जो चीज़ है वो दोबारा नज़र आ जाए। वापस उसी पोर्शन में आ चुके हैं जहाँ से अभी कुछ देर पहले मूव करके गए थे, और ये दरख्त आप देख सकते हैं कितने पुराने हैं। ये कब्रिस्तान बेसिकली 100 साल पुराना है, और ये दरख्त उससे भी पहले। यार कोई मूवमेंट फील हुई है दरख्त पे? सुब्हानअल्लाह, कुछ चीज है यहाँ पे, लिटरली मैंने यहाँ पे फील किया कुछ चीज ऊपर बैठी हुई है, लिटरली बगैर नुकसान पहुंचाए मौजूदगी का एहसास करवा सकते हैं। बहुत घना दरख्त है ये, इसकी अब ये चेक करें टहनियाँ, आइए आगे चलते हैं, देखते अगर कोई चीज़ दोबारा मिल सकती है तो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि उस चीज़ जो यहाँ पे मखलूक है उसने अपने आप को 3-4 दफ़ा शो करवाया। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की लोकेशन। लास्ट वीक आए हैं, कैमरामैन को उस चीज़ ने जो है ये जगह, मैं पॉइंट आउट करता चलूं कि ये ऐसी जगह अक्सर जगहों पे फिज़िकली हम पे अटैक होते हैं, पथराव होता है, किसी चीज़ की मूवमेंट होती है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं हुई। उस चीज़ ने हमें मेंटली कैच किया, हम पे मेंटली अटैक किए हैं कि हम अनयूजुअल सी थिंक कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है, हम उसके तरफ भागते हुए चले जा रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे, तो यहाँ पर इस तरह के हमारे साथ मामलात हुए हैं। लास्ट वीक आए थे, हमारे कैमरामैन को उसी चीज़ इस तरह जो है मेंटली कैच किया था, और अब फिर वही जो है वो मामला मेरे साथ हुए हैं। मुशारिफ, मैं शो को अकेला अभी कर रहा था क्योंकि मुशारिफ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, उनकी पिछले उनके साथ कभी ऐसे मामला हुए नहीं है, लेकिन कुछ महीनों से कुछ हफ्तों से उनकी तबीयत ऐसी जगहों पर जा जा के ज़ाहरी बात असरात हो जाते हैं बंदे को, तो उनकी तबीयत वाकई बहुत ख़राब है और वो यहाँ से चले गए हैं। तो जितना हो सकता था इस चीज़ को, इस कब्रिस्तान को, 100 साल पुराने कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट किया है। अब सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज, तो अभी बस इस शो को एंड कर रहे हैं। अगर शो पसंद आया होगा फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अगर आपके लिए में भी कोई ऐसी लोकेशन है जो कि आप समझते हैं कि सेहतमंदा है तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा मुशारिफ को, कैमरामैन को, पूरी टीम असैफज़ादा को। आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टीम असैफज़ादा और मोइन इस्लाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
इंस्टाग्राम आसिफ जदा।